इरवावी आओ आओ सुनो कहानी जहाँ है डरपोक राजा, बहादुर रानी और उड़ती मछली और तैरती शेरनी। आओ आओ सुनो कहानी। वुशू वुशू। इलाची के पर्वतीय प्रदेश में टीने को यही आवाज़ सुनाई देती थी। ये पर्वत उसे बुला रहे थे। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, टीने अपने प्यारे पर्वतों के और करीब जाने का सपना देखने लगती है। पर क्या वो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर पहुंच पाएगी? अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही के जीवन पर आधारित इस पुस्तक में सपनों और आत्मविश्वास की शक्ति का वर्णन किया गया है। कहानी का शीर्षक है टीने और दूर बसे पर्वत। ओरिजिनल स्टोरी टीने एंड द फारवे माउंटेन बाय शिखा त्रिपाठी। हिंदी में अनुवाद किया है पूनम एस कुदेसिया और चित्र बनाए हैं ओगिन नयाम। कहानी पब्लिश की है प्रथम बुक्स। कहानी सुना रही है असावरी दोषी। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और आर्टिकल सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा www.books-that-speak.com। चलिए चलते हैं टीने के साथ। मैंने अपने डर से आज़ादी पा ली थी। मुझे ना तो मानदंडों का डर था, ना ही समाज का। मैं ना तो असफलता से डरती थी, ना ही मृत्यु से। मुझे अपनी ताकत पर पूरा विश्वास था और मैंने अपनी कुदरती प्रतिभा को जमकर मांझा। अपनी कमजोरियों को दूर किया और सबसे ज़रूरी बात ये कि मैंने हमेशा अपनी सुनी। ये और कोई नहीं पर कह रही है टीने मेना, पर्वतारोही। 9 मई 2011 का दिन टीने मेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल की टीने उत्तर पूर्वी भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, यानी अगर 6 फुट लंबे 5,000 लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा किया जाए, इतना ऊंचा। तो ये कहानी है टीने के संघर्ष की, जिसे पहाड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद है। वुशू वुशू। अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी पहाड़ियों में रहने वाली टीने ने दूर पहाड़ों से आती ये अद्भुत आवाज़ सुनी और उस आवाज़ की तरफ खींची चली गई। ये आवाज़ सिर्फ उसको सुनाई देती थी। टीने अपने परिवार के साथ इचाली गांव में रहती थी, जो एक घने जंगल और दीवांग नदी से घिरा हुआ था। टीने को चढ़ना पसंद था। वो पेड़ों पर चढ़ती, जंगलों के बीच दौड़ भाग करती और नदी में मछलियां पकड़ती। वो बिल्कुल अपनी दादी नाया की तरह निडर और बहादुर थी। अगर कभी वो जंगल में कहीं गिर जाती तो उसके पिता नाबा उससे कहते, उठो और आगे बढ़ो। उन्होंने उससे कभी नहीं कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक लड़की हो। टीने और उसकी छोटी बहन सोनी बड़ी होने लगी। उन्हें जंगल से सेब, संतरे और जामुन खाना बहुत पसंद था। पूरे पूरे दिन वो खुले आसमान के नीचे घास पर लेटकर नीले आकाश में मंडराते काले बादलों को देखती रहती और फिर मुस्कुराकर कहती, वाह, जीना इसी का नाम है। लेकिन एक दिन टीने की जैसे दुनिया ही बदल गई, क्योंकि अब उसे स्कूल में पढ़ाई करनी थी और इचाली में कोई स्कूल नहीं था। इसलिए पूरा परिवार रोइंग में रहने लगा। रोइंग में वुशू की साफ सुनाई देती आवाज़ बहुत ही कम सुनाई देती। उसका मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे तो बस वापस उन्हीं पहाड़ों में जाना था। 10 साल बाद टीने की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। उसका दिल बार बार दोहरा रहा था, वुशू वुशू। उसे वापस पहाड़ों में जाना था। पहाड़ों के करीब होने के लिए टीने ने अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहे एक आर्मी अभियान दल में कूली के लिए आवेदन किया। वो ताकतवर थी और दूसरे कूलियों की तरह भारी सामान उठाकर
कई दिनों तक पैदल चल सकती थी, लेकिन उसके सामने एक छोटी सी मुश्किल थी, और वो ये कि औरतों को कूली का काम करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इससे क्या वो हार गई? बिल्कुल नहीं। टीने ने लड़कों के कपड़े पहनकर काम शुरू कर दिया। हर दिन वो करीब 25 किलो वजन उठाती, लेकिन करीब एक हफ्ते में सब लोग समझ गए कि वो लड़के के भेस में एक लड़की है। नियम तोड़ने के लिए टीने को बहुत डांट पड़ी, लेकिन उसने साबित कर दिया था कि वो लड़कों की तरह काम कर सकती थी, इसलिए उसे किसी तरह वहां काम करने की इजाजत मिल गई। हालांकि उसके इस कदम से बाद में महिला कूलियों पर लगी पाबंदी हटने वाली थी। टीने ने बहुत मेहनत से काम किया और एक दिन वो संयोजक बन गई, संयोजक यानी के कोऑर्डिनेटर। अब उन्हें पहाड़ी यात्राओं की पूरी योजनाएं बनानी थी। एक बार जब वो एक ऐसे ही अभियान की योजना बना रही थी, तब उनकी मुलाकात डॉक्टर रोमियो मेटी से हुई, जिन्होंने कहा, आपको देखकर मुझे लगता है कि आपके अंदर स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली पर्वतारोही की सभी खूबियां हैं, अब बस आपको तकनीक सीखनी है। डॉक्टर मेटी ने उसमें उम्मीद की किरण जगा दी थी। फिर जल्द ही उनके निर्देशन में टीने ने प्रशिक्षण शुरू कर दिया। लेकिन माउंट एवरेस्ट की प्रथम चढ़ाई पर आधारित फिल्म द रेस फॉर एवरेस्ट देखने के बाद ही उसको अपने सपनों की चोटी की जानकारी मिली। वुशू की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी और अब बस उसका एक ही सपना था, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना। मार्च 2011 में टीने नेपाल के लिए निकली। वो चिंतित थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ थी। एवरेस्ट आधार शिविर में सर्दी बहुत थी, हवा पतली थी और ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम था। एक महीने के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने चेरिंग शेरपा के साथ चढ़ना शुरू किया। पूरी चढ़ाई चार हिस्सों में होनी थी, ताकि पर्वतारोही अलग अलग शिविर बिंदु पर सुस्ता कर ऊपर की तरफ कुछ दिनों तक चल सके। लेकिन जब तक टीने और चेरिंग शेरपा पहले शिविर को पार करके दूसरे तक पहुंचे, मौसम विभाग ने खराब मौसम की भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। लेकिन वुशु की सुरीली आवाज और तेज होती जा रही थी। चेरिंग ने पूछा, आप आगे जाना चाहेगी? हाँ, चाहती हूँ, टीने ने जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये मौका दोबारा कभी मिलेगा। तो वो आगे बढ़ते गए। शिविर तीन पर जबरदस्त हिमस्खलन की वजह से उनका तंबू गिर गया। किसी तरह वो आखिरी शिविर तक पहुंचे, लेकिन तेज हवा की वजह से उनका तंबू और उनका सारा सामान उड़ गया था। उन्होंने एक दूसरे तंबू को ढूंढकर उसमें पना ली। अब ना तो उनके पास वॉकी टॉकी थे, ना ही दवाइयां। उनके पास अब बस एक पैकेट नूडल्स बचे थे। चेरिंग ने सुझाव दिया, इसमें से आधा खोलते हैं। टीने ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर पहुंच गए तो बाकी हिस्सा तब खा लेंगे। हवा बहुत ज्यादा तेज थी। हर कदम पर आगे बढ़ते हुए एक कदम पीछे धकेलते हुए बर्फीला तूफान जैसे जोर से कह रहा था, वापस जाओ। लेकिन टीने के कानों में बस तो एक ही आवाज गूंज रही थी, वुशू। 8 मई 2011 की रात से आखिरी शिविर से उन्होंने पूरी हिम्मत और आशा के साथ ऊपर तक पहुंचने की यात्रा शुरू की। 9 मई 2011 10:15 टीने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई। ये लड़की जिसे पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था, दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गई थी। आज उसे अपनी मंजिल मिल गई थी। वो आवाज जिसने उसका पूरी जिंदगी पीछा किया, आज वो उसका मतलब समझ सकती थी, वुशू। दीवानों की तरह वो अपने पहाड़ों पर नाच रही थी। टीने मेना एक पर्वतारोही है जो उत्तर पूर्वी इलाके में पैदल चलने और साइकिल चलाने के टूर चलाती है। हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे उत्तर पूर्व इलाके के सभी राज्यों से वो ऐसी पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकी। डॉक्टर रोमियो मेटी के सुझाव पर अमल करते हुए टीने मेना ने इम्फाल के माउंटेनियरिंग एंड ट्रेकिंग एसोसिएशन में दाखिला ले लिया। यहाँ उन्होंने एक नकली दीवार पर पहली चढ़ाई की।
टीने मणिपुर की भाषा और संस्कृति से परिचित नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ अपनी पढ़ाई के दौरान स्वर्ण पदक जीता और साथ ही दार्जिलिंग के हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान में उन्हें बुनियादी पर्वतारोहण पाठ्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ छात्र का स्वर्ण पदक मिला। उन्हें पर्वतारोहण प्रशिक्षक की नौकरी का भी बेहतरीन ऑफर मिला, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने उसे ठुकरा दिया। टीने ने पर्वतारोहण में उच्च स्तर पूरा किया और उसके बाद कंचनजंगा बेस कैंप में एक विशेष प्रशिक्षण लिया। उन्होंने अपने अभियान के लिए कई स्थानों से धनराशि का इंतजाम किया और आगे बढ़ चली। टीने ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कई लोगों को प्रेरित किया, जैसे कि उनकी बहन रूबी लोम्बो, जो राष्ट्रीय स्तर पर कई जीत हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकिलिंग एथलीट बनने की तैयारी में है। कई साहसी बच्चों के लिए टीने आज भी एक रोल मॉडल है। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।